एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं अहम खबर। शहर राजेंद्र नगर पीएस हदूद में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले गिरफ्तार। पुलिस को एक इत्तला मिलने पर सनराइज होम्स कॉलोनी ऊपरपल्ली के एक अपार्टमेंट में धावा करते हुए 6 लड़कियां, 3 ऑर्गेनाइजर, 3 ग्राहक को गिरफ्तार किया। 4 का ताल्लुक मुंबई से, 1 का दिल्ली से और 1 लड़की का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया। एसीपी राजेंद्र नगर श्री अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मनीष, दोनों ऊपर देखो, सीधा देखो। मनीष, मनीष कहाँ रहता है? गार्डन में क्या करता? गार्डन में दीपक, दीपक जरा घर का है, ठीक है, राइट, ओके ना। कल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ऊपरपल्ली में सनराइज कॉलोनी में एक इंडिपेंडेंट टू बेडरूम घर के अंदर एक प्रॉस्टिट्यूशन चल रहा है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर सुरेश और एसओटी एसआई राजेश्वर रेड्डी और उनका टीम वुमन इंस्पेक्टर वुमन एसआई राजेंद्र नगर टीम मिलके वो घर को रेड करके उसमें जो ये गैर जरूरी ये जो इलीगल धंधा चला रहे 2 ऑर्गेनाइजर्स और 1 इमरान, 3ों को अरेस्ट करे और 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे। उसमें से 6 लड़कियों को जो 4 बॉम्बे के हैं, 2 दिल्ली के हैं, 1 हैदराबाद के हैं, उनको महीना 25,000 रुपये देते बोल के बात करके एक ऑर्गेनाइजर से लेके आए। एक मनीष शर्मा बोल के या मेन ऑर्गेनाइजर है और दीपक दीपचंद ये 2 ऑर्गेनाइजर से, ये लोग बॉम्बे से ये लड़कियों को ला के ये घर में लगा दे के 6 लड़कियों को ये कस्टमर इमरान शरीफ बोल के ये ओल्ड सिटी में रहता है, इन्हें कस्टमर्स को कलेक्ट करके यहाँ ला के पहुँचाता और उन्हें कमीशन लेता। तो पूर्व उनको कल रात में इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर रेड करके श्वेता एसए के साथ में मिल के वो 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे और 3, 2 ऑर्गेनाइजर्स, 1 सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजर, 3ों को अरेस्ट करे और उसमें 3 कस्टमर्स जो कस्टमर्स भी थे रेड हैंड पकड़े गए घर में उनसे उनको अरेस्ट करे। उसमें से 25,000 रुपये कैश जो लगा जमा करे थे उनके पास वो सीज करे और उसमें मोबाइल फ़ोन सीज करे और कंडोम जो भी यूज़ करे ये गलत हरकत में वो भी सीज करे और जो और कुछ फ़ोन का इंफॉर्मेशन भी फर्दर कलेक्शन चल रहा है। उनको 3ों को पूरे 6 जनों को अरेस्ट करके रिमांड को भेजा रहे भी। उसमें से 2 जने को फिर पुलिस कस्टडी लेके उसमें दीपचंद बोल के जो पहले भी केस में इन्वॉल्व था, उन्हें 2016 में सिटी में सेम पीटा केस में इन्वॉल्व था, उसका इन्फॉर्मेशन लगाएंगे और दीपचंद के ऊपर अपने मनीष शर्मा के ऊपर पीडी एक्ट लगाने का भी इंस्पेक्टर साहब प्रपोजल भी भेजा रहे आज। उस कमीशन साहब से अप्रूवल लेके उसको पीडी एक्ट में ये दोनों को डिटेन करेंगे और 6 लड़कियों को रेस्क्यू होम को भेजा रहे। फिर उनके माँ बाप को बुला के उनकी फर्दर उनका लोकल परमानेंट रेजिडेंस को देके कोर्ट वाले उनको रिलीज करते ये 3ों को रिमांड में भेजा।